लगातार दूसरे दिन मौत के आंकड़े 300 के पार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर WHO ने चेताया कहा इसे माइल्ड समझने की ना करें गलती। और बिहार में फिर जातिगत जनगणना पर सियासत तेज, बीजेपी ने RJD पर कसा तंज, राजद को JDU में मिल जाने की दी सलाह। नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। CNCI कैंसर रोगियों के अत्याधुनिक संख्या में बोझ का सामना कर रहा था और पिछले कुछ समय से इसके विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस जरूरत को दूसरे कैंपस के माध्यम से पूरा किया जाएगा। CNCI का दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदान किए हैं। तो आज कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने वाले हैं। चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का वो उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी PM नरेंद्र मोदी इसमें जुड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है और तमाम आधुनिक सुविधा इस कैंसर संस्थान में उपलब्ध होंगे लोगों के लिए। दरअसल कमी महसूस की जा रही थी और इस पर लगातार सोच विचार किया जा रहा था कि दूसरे परिसर की जरूरत है। ऐसे में इस जरूरत को पूरा किया गया है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। भारत में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ रहा है। संक्रमण के साथ साथ मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार हो गया है। गुरुवार को कोरोना से मरने वालों की संख्या 325 थी। मरने वालों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, यह वाकई देश और हम सभी के लिए चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,17,100 नए मामले सामने आए हैं। उधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में भी लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,007 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 और 685 मामले हैं और ओमिक्रॉन के 3,007 मरीज में से आपको बता दें कि 1,199 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। इससे पहले गुरुवार को ओमिक्रॉन के 2,600 नए मामले सामने आए थे। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत राजस्थान में हुई, जबकि आज दूसरी मौत हुई है। कोरोना की रफ्तार का आलम यह है कि देश में डेली संक्रमण का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है। आज अगर बात करें तो उड़ीसा में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शर्मिला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, ओमिक्रॉन की बात करें या कोरोना की बात करें, लगातार दोनों ने रफ्तार पकड़ ली है। नए वेरिएंट के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं और देश में चिंता अब बढ़ गई है। बिल्कुल पूजा, देश में चिंता बढ़ गई है क्योंकि एक तरफ कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और ये कह सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद हुआ, करीब 108-109 दिन के बाद इस तरह का इजाफा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। यानी अभी कहना गलत नहीं होगा पूजा कि कोरोना की वापसी फिर से हो गई है। बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरियंट पर, तो शुरुआत इसकी ओमिक्रॉन वेरियंट से हुई थी। ओमिक्रॉन वेरियंट ने जैसे ही दस्तक दी देश में, वैसे ही कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिला। अगर अभी की बात कर ली तो देश में ओमिक्रॉन मरीजों की जो संख्या है पूजा, वो 3,000 के पार हो चुकी है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो दूसरा लहर था, यानी डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो दूसरे लहर का प्रकोप पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। लेकिन क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी फैलने की क्षमता डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा अधिक, और ऐसे में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन एक
राहत की खबर यह है पूजा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फिलहाल जो मौतें हैं वो कम हो रही है। अगर आपने भी बताया, शर्मिला आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल WHO ने गुरुवार को ये कहा है कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 के सप्ताह के दौरान दुनिया भर में रिकॉर्ड किए गए 9.5 मिलियन नए कोविड-19 के मामले किए गए हैं और ये पूरे दुनिया का आंकड़ा है, यानी कि देश में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है इसको मिलाकर 9.5 मिलियन नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में सुनामी की वजह से दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ रहा है। WHO के महानिदेशक ट्रेडर्स अधनम ने आगाह किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में भले ही कम गंभीर लगता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इसे माइल्ड या हल्के रूप में ले ले। दूसरे वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और ये लोगों की जान भी ले रहा है। तो देखिए, ओमिक्रॉन को माइल्ड समझने की गलती ना करें, WHO ने भी चेता दिया है। चलिए एक बार फिर से अपनी सहयोगी शर्मिला का रुख करेंगे। शर्मिला, WHO ने भी चेता दिया है कि ओमिक्रॉन को माइल्ड समझने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सुनामी भी ला सकता है। बिल्कुल पूजा, ओमिक्रॉन को माइल्ड समझने की गलती तमाम लोग जो है वो ना करें और ऐसे में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जल्द ही कोरोना जो है वो पिक पर होने वाला है और दिल्ली के मामले महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बहुत ज्यादा अधिक है। अगर बिहार की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं दिल्ली और महाराष्ट्र की तुलना में ओमिक्रॉन के मामले बहुत कम है लेकिन कोरोना के मामले जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और 24 घंटे के अंदर अगर देश की बात करें तो देश में फिर से लाखों में अब कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर एक लाख के करीब जो संक्रमित मरीज है वो मिले हैं। तो ऐसे में पूजा कहीं ना कहीं अब ये चिंता की बात हो गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, बैठक कर समीक्षा भी कर रहे हैं और तमाम स्थितियों का वो जायजा ले रहे हैं कि क्या जो सुविधाएं हैं और क्या कमियां हैं और उसको ठीक किया जाए। किस तरह से दूसरे लहर का प्रकोप हम सभी ने देखा है कि किस तरह से भयावह था, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी मौतें हो रही हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। बहुत दिनों बाद, लंबे समय के बाद मौत का आंकड़ा एक बार फिर से 300 के पार हो चुका है पूजा और ये चिंताजनक बात है और इसको लेकर जो अधिकारी है वो भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पूजा बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार देश में कोरोना का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में चिंता बढ़ गई है। चिंता लगातार स्वास्थ्य विभाग जाहिर कर रहा है और अलग अलग राज्य इसको लेकर के अपनी तरफ से पाबंदियों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बिहार का भी रुख कर लेते हैं। बिहार में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में पिछले 24 घंटे में कुल संक्रमितों की संख्या अब 2379 तक पहुंच गई है जिसमें पटना जिले के 1407 मरीज शामिल हैं और अब कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5785 तक पहुंच गई है और प्रदेश में कोरोना के 156 मरीज अस्पताल में एडमिट है जिनमें से 40 मरीजों को ICU में इलाज चल रहा है और बाकी अन्य संक्रमित मरीजों को उनके घरों में आइसोलेट किया गया है। तो बिहार में भी लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कोरोना पैर पसारता जा रहा है और राजधानी पटना हॉटस्पॉट बन गया है। तो पटना में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। देखिए, लगातार अगर बात करें तो संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, उसको सतर्कता पूर्वक पालन करना जरूरी हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने संक्रमण से बचाव को लेकर
कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका अनुपालन करने के लिए भागलपुर सुल्तानगंज के थाना अध्यक्ष लाल बहादुर के निर्देश पर विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। और इस दौरान सब इंस्पेक्टर किरण सोनी ने दलबल के साथ मास्क नहीं पहनने वाले दर्जनों लोगों से फाइन भी वसूला, साथ ही आम लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। वसूली की जा रही है मास्क फाइन। तो बिहार में जो लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा है इसी के लेकर निर्देश सरकार के निर्देशानुसार मास्क अनुसार मास्क चेकिंग आज से शुरू हुआ है। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार विधान मंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के द्वारा नए कोरोना गाइडलाइंस को आम लोगों के लिए हितकर बताया। मुख्यमंत्री ने जो निकाला है कि 18 साल उम्र के कम बच्चों को जो वैक्सीनेशन देने की बात है वह तो बिल्कुल सही है निर्णय, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, सारे बच्चे बच्चियों को वैक्सीनेशन स्कूल में होना चाहिए, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं ज़्यादा सेफ होगा, ज़्यादा लोग उत्साहित होंगे लेने के लिए। आप बच्चे अगर जाएंगे हॉस्पिटल में तब होगा तो वो फिर कोरोना का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री फिर से आग्रह करेंगे स्कूल में ही इंतजाम करिए सारे बच्चे बच्चियों को वैक्सीनेशन दिलाने का। बिहार में कोरोना विस्फोट को लेकर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अस्पताल में लापरवाही देख स्वास्थ्य अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि विधायकों के फंड से 600 करोड़ रुपए आए वो कहां खर्च हुए। इस तरह से कोविड-19 के बढ़ते केसेस जो है और एक तरफ ओमिक्रॉन वायरस, इसी दरमियान आज देखने आए हाजीपुर सदर अस्पताल का निरीक्षण किए, इसमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है और यहाँ डॉक्टर भी उपस्थित नहीं है, सिविल सर्जन के चैम्बर में भी गए वो भी नहीं है, उनके बारे में पता चला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, लेकिन यहाँ प्रसव केंद्र है इसमें भी महिला डॉक्टर उपस्थित नहीं है, दो डॉक्टर का आज ड्यूटी है लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है, इमरजेंसी में भी गए वहाँ पर भी डॉक्टर उपस्थित नहीं है, इमरजेंसी में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इधर पोस्टमार्टम का जो बिल्डिंग है वहां पे भी आपने देखा कि काफी गंदगी है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल, हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है, अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़ लखीसराय, मोबाइल नंबर 9142578880, दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपके दरकार की, देखिए हमारे साथ पूजा का। प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा, एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा, बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण, बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान,
कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़, यहां होती है जनता की बात। चाहे हो दिन या हो रात, सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई, महंगाई साथ ही मर रहा है, अब क्या बोले जाता। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को एक साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही, क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही। आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम। रहेंगे हर पल आपके साथ, स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएं, अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएं। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती है, खबरें जो आपको आईना दिखाती है, खबरें जो आपको सचेत कर जाती है, उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती है खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक, ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर।
ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में मेयर की कुर्सी को लेकर फिर से सियासत तेज नजर आ रही है। राजद नेता वसीम अहमद मुन्ना ने जिले के मेयर के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं उन्होंने कहा है कि मेयर का चुनाव जनता के वोट से होना है और उन्हें यकीन है कि जनता उन्हें मौका जरूर देगी। चुनाव जो है समझिए जनता के वोट से होगी, तो जनता के वोट से होगी तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले पर जो है खुश हैं, इसलिए कि 2017 से लेकर के अभी तक 4 बार अविश्वास प्रस्ताव एक मेयर के लिए आ चुका हुआ है। तो जिस तरीके से ये फैसला आ रहा है, राज्यपाल की जो मुहर लगनी है, उससे हम लोगों को ये लग रहा है कि जो खरीद फरोख्त का जो मामला होता है वो खरीद फरोख्त का मामला बंद हो जाएगा। इसलिए कि जो भी लोग मेयर बनते हैं, उप मेयर बनते हैं या पार्षद बनते हैं, तो ये सिर्फ बिकने और बिकाने के लिए जो है बनते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने जगदानंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है और बयान देते हुए कहा कि जगदानंद सिंह अपनी पार्टी को ही नीतीश कुमार के पार्टी में क्यों नहीं मिला लेते। बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था कि बीजेपी नहीं चाहती कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। नीतीश कुमार जी ने मना किया क्या? वो अपने पति को नीतीश जी के कवच में मिला ले तो बेहतर होगा, उनको रोकेगा कौन? लोकतंत्र में किसी को कोई रोकता क्या है? ये बच्चा को जिसे ट्रॉफी दिखाया जाता है वो ट्रॉफी क्या दिखा रहे हैं? अपने पार्टी को मिला ले, एक साथ हो जाए नीतीश जी के नेतृत्व में, कौन रोका है? बेहतर होगा। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सृष्टि, जातिगत जनगणना को लेकर फिर एक बार सियासत तेज है और ऐसे में आरजेडी एमएलसी का ये बयान सामने आ रहा है, क्या मायने निकलते हैं? देखिए पूजा, जिस तरीके से जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग जब जब उठती है तब तब बिहार में सियासत तेज हो जाती है और नजर यही आता है कि एनडीए की दो जो मेन पार्टी है बीजेपी और जेडीयू वो अलग अलग खेमे में हो जाती है और जो जेडीयू है वो राजद के साथ आ जाती है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर साथ रहता है लेकिन बीजेपी कभी साथ नहीं रहती है। तो जिस तरीके से नवल किशोर यादव ने बयान दे दिया है कि राजद जेडीयू से मिल जाए, नजर साफ तौर पर यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खटक रहा है कि आरजेडी के साथ जेडीयू आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जब गए थे प्रधानमंत्री के पास तभी लौटने के बाद बात यही आई थी कि बिहार सरकार अपने पैसों से जातिगत जनगणना करेगा और तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। तो इस बयान से यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को खटक रही है ये दोस्ती राजद और जेडीयू की। इस कारण से तंज कसा गया है कि राजद जाके जेडीयू में जुड़ जाए। पूरा बिल्कुल सृष्टि, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बिहार में सियासत तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी अलग मत में दिख रही है तो वहीं अब विपक्ष और जेडीयू एक पाले में नजर आ रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोहरे और धुंध के कारण पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलने वाली हवा जहरीली हो गई है। दरअसल आज पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 दर्ज किया गया है और इसके अलावा बिहार के ही बक्सर, छपरा, मुंगेर और सिवान देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। वहीं खतरनाक हवा को लेकर 11 शहर रेड जोन में रखे गए हैं जिनमें पटना, भागलपुर, दरभंगा, आरा सहित कई राज्य की एयर क्वालिटी 300 से अधिक रही। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही राजधानी पटना की हवा एक बार फिर से प्रदूषित हो गई है। पटना की हवा दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और जो
AQI लेवल है वो लगातार पटना का बढ़ रहा है। जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी में काफ़ी ठंड होती है, और ऐसे वक्त में जब जनवरी का महीना होता है तो जो पटना का प्रदूषण है वो भी विकराल रूप धारण कर लेता है। और देखिए तस्वीर हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि 403 पे पहुंच गया है। इसका लेवल 403 का मतलब एक तरीके से खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे अगर मापा जाता है तो जो वायु है वो प्रदूषित नहीं होती है, सेहत के लिए लोगों की अच्छी रहेगी। लेकिन मौजूदा स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है, 403 पहुंच गया है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और दिल्ली से भी ज़्यादा अब राजधानी पटना की हवा प्रदूषित हो चुकी है। एक तरफ जहां कोरोना की मार बिहार झेल रहा है, तो वहीं अब दूसरी ओर जो राजधानी की पटना है वो भी काफ़ी प्रदूषित हो गई है। ऐसा ही नहीं, बिहार के अलग अलग ज़िलों का भी यही हाल है। बिहार के करीब 11 जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है जिन जिलों के लिए, वहां की हवा भी काफ़ी प्रदूषित है। एक बार और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, खतरनाक हवा को लेकर के 11 शहर रेड जोन में रखे गए हैं। पटना, भागलपुर, दरभंगा, सासाराम, आरा, बेतिया, बिहार शरीफ, किशनगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और राजगीर, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा है, वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, और ऐसी हवा कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी खतरनाक है। अगर ऐसी हवा लोग लेते हैं तो वो हवा लोगों के सेहत पे भी असर पड़ सकती है उस हवा का, और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब है। एक तरफ कोरोना की मार बिहार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रदूषण की भी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो राजधानी पटना की हवा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, और लोग अगर उस हवा में सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सेहत पे भी इसका असर पड़ सकता है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी पटना से उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। दरअसल उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि NMCH के समीप आदर्श कॉलोनी में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री बनाई गई है, जहां उत्पाद विभाग ने रेड करने पर शराब बनाने की फैक्ट्री के साथ नकली शराब की बोतलें, केमिकल स्प्रिट, रैपर मशीन बरामद किया है। हालांकि सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग किशोर कुमार साह ने बताया है कि मामले में अभी किसी को पकड़े जाने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और जो भी इस कार्य में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और इसकी जांच जारी है। लखीसराय डबल मर्डर के मुख्य आरोपी पंकज सिंह को केव्या पुलिस की SIT ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहां कुल 21 मामलों के आरोपी पंकज सिंह ने इस सप्ताह लखीसराय में दो युवक को मौत के घाट उतारकर सनसनी फैला दी थी। वहीं मोकामा के पास हाथीदह रेलवे स्टेशन से पुलिस को ये सफलता हाथ लगी, जहां बहुचर्चित लाल दियारा निवासी पंकज सिंह की गिरफ्तारी के लिए लखीसराय पुलिस कप्तान ने आपको बता दें कि कार्रवाई की। भागलपुर में पुलिस पर दूसरे पक्ष से पैसा लेकर मदद पहुंचाने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने सीनियर SP कार्यालय में जमकर बवाल काटा और सीनियर SP के गाड़ी के आगे धरने पर बैठ गया। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने तुरंत थाना प्रभारी को जानकारी दी और युवक से पूरे मामले की जानकारी ली। शिकायत था कि इनका कुछ जमीनी विवाद है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी थानाध्यक्ष को फ़ोन करके निर्देश दिया गया है कि शनिवार की बैठक में अंचलाधिकारी के साथ बैठ के इनके मामले की सुनवाई कराएं और दोनों पक्षों का सुनवाई करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित कराएं। फिलहाल इस
इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात, कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात, अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़, यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात, सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल, आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई, महंगाई साथ ही मर रहा है, अब क्या बोले जाता, जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को एक साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार।